गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम आपको लेके चलते हैं अपने मॉन्टेसरी क्लास में, जहां पर कुछ एक्टिविटी चल रही है फेसबुक की। वो फेसबुक दिखाएंगे और बच्चों से मिलवाएंगे कि उनका हैंड प्रिंट कैसे लगता है, कैसे लगाते हैं, वो चीज़ों को दिखाते हैं। तो मिलते हैं मॉन्टेसरी ए सेक्शन से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. How are you? Very good. I am fine. Thank you. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज फेसबुक के ऊपर, आपका हैंड प्रिंट लेने जा रहे हैं ना। कलर्स लगा करके हाथ में एक हैंड प्रिंट लगाएंगे ना आपका हम, तो उसका काम करेंगे ना अभी हम। तो आज हम क्या काम करेंगे, हैंड प्रिंट से आपका हाथ में कलर लगा करके आपको आपकी फेसबुक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ओके, तो अभी वो एक्टिविटी भी हम लोग करेंगे। ओके, हाथ दिखाइए अपना, कौन सा हैंड लगाएंगे। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपना राइट हैंड दिखाते हुए, ये राइट हैंड की एक्टिविटी है, यानी कि इनकी जो फेसबुक है उसमें राइट हैंड से वो अपना हैंड प्रिंट अपनी फेसबुक में देंगे। तो उसके बाद मिलते हैं मॉन्टेसरी सेक्शन बी से, बाय। तो गाइज, ये है हमारे कॉलेज की मॉन्टेसरी की फेसबुक, जिसमें इन छोटे बच्चों के बारे में सब कुछ ब्रीफ किया गया होता है। जैसे कि आपको ये एक मैनुअल है, आपको दिखाऊं, इनकी अटेंडेंस शो होती है यहाँ पर, एवरेज शो होता है, किस मंथ में क्या रिकॉर्ड है वो शुरू होता है, उसके बाद किस बच्चे की है उसकी फ़ोटो, उसका नाम, उसका क्लास सेक्शन, उसका SR नंबर, उसका फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस सब मेंशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इनका टर्म वन होता है, जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें ग्रेडिंग जो भी होती है वो ग्रेडिंग होती है, फिर उनकी हाइजीन परफॉर्मेंस, मैनर्स, जो एटिकेट, जो भी उनका ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन होता है, या ये कहें कि जो भी उनका डे बाय डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको इस फेसबुक में बहुत अच्छे से ग्रेडिंग के थ्रू सब समझाया जाता है। जैसा कि फर्स्ट पेज था हमारा ये, जिसमें एक क्राइटेरिया दिया है, क्या ए का मतलब क्या होता है, ए प्लस का मतलब क्या है, बी प्लस का मतलब क्या है, NA क्या है और NE क्या है, तो सब कुछ बताया गया। और टर्म भी यहाँ शो किया है कि फर्स्ट टर्म मतलब ये मंथ्स, सेकेंड टर्म मीन्स ये मंथ, और थर्ड टर्म मीन्स ये मंथ, मीन्स फाइनल। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये टर्म वन पूरा दिया हुआ था, यानी कि अभी तक ये पूरी फेसबुक टर्म वन की थी। ये वो एरिया है, जैसे कि मेंशन है, दिस इज़ माय हैंड प्रिंट, इस पे ये बच्चे अपना हैंड प्रिंट देते हैं, अलग अलग कलर्स में हम लोग इनसे करवाते हैं, तो ये वो वाला हिस्सा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये एक ब्यूटीफुल ड्राइंग दी है, एक चिड़िया अपने बच्चों को, यानी कि अपने अंडों पे कैसे आती है, उस एक के ऊपर सब मेंशन किया है कि क्रिएटिविटी कैसी होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन, मॉनिटरिंग, इस तरह की चीज़ें मेंशन की हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जब बढ़ते हैं, तो यहाँ टीचर कमेंट होता है कि टीचर ने क्या कमेंट किया है उनको, उनके टर्म्स के लिए, उनकी हाइट वेट होती है, उनकी अटेंडेंस होती है, और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल और सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर होती है। उसके बाद पेरेंट्स फीडबैक आता है, जिसमें पूरा ये पूरा डिज़ाइन दिया हुआ होता है कि उनका अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, जो भी कुछ वो अपना देना चाहते हैं, वो तो इस टर्म में दे सकते हैं। इसी तरह ये टर्म टू होता है, टर्म टू जिस तरह फर्स्ट टर्म दिखाया उसी तरह टर्म टू है, सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी उसी तरह मेंशन है, जो ग्रेडिंग के थ्रू हम मेंशन करते हैं। ये टर्म टू का ही पूरा पेज चल रहा है हमारा। उसके बाद आता है हमारा टर्म थ्री, यानी कि ये आता है आई हैव मेड इट, यानी कि यहाँ पर जो भी आर्ट और क्राफ्ट की एक्टिविटी उनसे कराई जाएगी वो शीट पेपर यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे कि ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछले फिगर में दिखाया मैंने आपको कि चिड़िया अपने अंडों पे बैठ के उनको सेती है, उसके बाद यहाँ दिखाया कि जिस तरह अंडों से बच्चे निकलते हैं, ये वो दिखाया, यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है एक बच्चे में, वो इस फेसबुक में पूरा फिगर आउट किया गया। उसके बाद ये फिर वही कॉलम आया, टीचर्स रिमार्क, टीचर कमेंट, उसके बाद हाइट वेट, यानी कि सेकेंड टर्म में उनमें क्या फीडबैक में आया उनका, पेरेंट्स का फीडबैक क्या आया बच्चे के लिए या क्लास टीचर के लिए या स्कूल के लिए, वो पूरा सब मेंशन किया जाता है। उसके बाद थर्ड टर्म हमारा स्टार्ट होता है, और थर्ड टर्म में भी सारी चीज़ें वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे से पिछली थी वो सब मेंशन की जाती हैं और चलती हैं आगे की तरफ। तो ये फाइनली थर्ड टर्म हमारा कम्प्लीट होता है, और थर्ड टर्म कंप्लीट होने के बाद फाइनल पिक्चर आती है जो रिप्रेजेंट करती है कि जो गंडा था अंडे से कैसे वो बच्चा आया, और बच्चे से फिर ये बड़ा होकर के अपने घोंसले को छोड़कर ऊपर उड़ गया, यानी कि क्लास मॉन्ड से वो किस तरह से
नर्सरी की तरफ रवाना हुआ, वो पूरा इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की फेसबुक होती है, जिसपे हम उनके फिंगरप्रिंट, उनके थ्रू बनाई गई चीज़ों को दर्शाते हैं या उनका पूरे ईयर का समरी क्रिएट करते हैं। तो अब मिलते हैं बच्चों से, तो गाइस चलते हैं मॉन्टेसरी सेक्शन बी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज क्या करने जा रहे हैं, हम हैंड प्रिंट देने जा रहे हैं ना अपनी फेसबुक के ऊपर। कौन सा हैंड लगाएंगे? राइट हैंड लगाएंगे ना। क्या नाम बेटा आपका? रुशदा। कौन सा हैंड इस्तेमाल करेंगे आज? राइट हैंड। कौन सा कलर लगेंगे आप? रेड कलर। तो सब ये बच्चे हमारे डिफरेंट कलर्स लेंगे और अपने फेसबुक पे अपना हैंड प्रिंट देंगे। ये फेसबुक इनके रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है, छोटे बच्चों में रिपोर्ट कार्ड नहीं जा करके फेसबुक जाती है, जिसमें इनका हैंड प्रिंट होता है, इनकी सारी एक्टिविटीज़ मेंशन होती हैं जो आपको मैं अभी प्रीवियस में दिखाऊंगा या बताऊंगा। तो ये बच्चे हैं हमारे मॉन्टेसरी सेक्शन बी के, तो मिलते हैं फेसबुक के साथ। तो गाइज अब शुरू होती है पाम प्रिंट की एक्टिविटी मॉन्ट ए। के बाद नंबर आता है मॉन्ट बी का। तो ये हमारे बच्चे जो अपना पाम प्रिंट देते हुए अपनी फेसबुक पे मॉन्ट बी सेक्शन से बारी बारी से सभी लोग।
सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.